पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये चार आरोपी हैं नशा तस्कर। जी हां, ओडिशा से ये लेकर आते थे गांजा पत्ती और गांजा पत्ती लाने के बाद ये बेचते थे पूरे करनाल जिले में। अलग अलग जगहों पर जाकर ये जो गांजा पत्ती है वो बेचते थे। तकरीबन इनके पास से 230 किलो यानी कि 2 क्विंटल और 30 किलो गांजा पत्ती बरामद की गई है। घरोंडा से ये बरामद की गई थी और उसके बाद चारों आरोपियों को जो NCB हरियाणा की टीम है, उनकी जो करनाल यूनिट है, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया है और आज इन्हें करनाल कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से इन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। अब इन चारों आरोपियों को यहां से ओडिशा भी लेकर जाया जाएगा ताकि पता लग सके कि वहां पर इन्हें कौन गांजा पत्ती देता था और इनका नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है। क्योंकि हमने देखा है, चाहे वो अफीम हो, भूखी हो, या फिर जो नशे की गोलियां हो, या फिर गांजा पत्ती हो, हरियाणा के साथ लगते राज्यों से तो ये चीजें मिलती हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, या हिमाचल हो, या उत्तराखंड हो, लेकिन ओडिशा से लाकर ये गांजा पत्ती पूरे करनाल जिले में बेचते थे और उसका मुनाफा कमाते थे। हमारे साथ एनसीबी की जो टीम है, उनके जो इंचार्ज हैं वो भी मौजूद हैं, उनकी टीम के सदस्यों से भी हम बातचीत करेंगे। पुलिस इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है ताकि और जो आरोपी हैं, जो इनके संपर्क के लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ चंदेश्वर जी भी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर आप इसको देखते हैं? सर, जस्ट ये अभी हमारे 8-9 महीना पहले हरियाणा सरकार ने एक NCB अपना हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो के श्री जाघव साहब ADGP की देख रेख में ये टीम गठित की है। ये जो हरियाणा के अंदर जो नशा के देखते हुए, क्यों आजकल हमारे नौजवान लड़के काफ़ी इस चीज़ में जो है डूबते जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए हम हरियाणा करनाल के यूनिट में तैनात है, जिसको हमारे कल अपना PSI विजेंद्र सिंह को मुखबरी मिली थी कि भाई ऐसे ऐसे उड़ीसा से जो है ये जो ट्रैक्टर के पीछे जो है ये अपना कैंटर जिसमें पानी रखते हैं, उसके अंदर ये 33 बंडल जो है डाल के ला रखे थे, जिसको हमने गरोंडा GT रोड के पास से हमने जो है इन्होंने कब्जा किया था और काबू करके और इसको जो है हमसे 2 क्विंटल 30 किलो जो है बरामद हुई है। और इसके दौरान जो है हमने अभी जो है जो इसमें मेन मुलजिम है विनोद, उसको हमने 7 दिन का पुलिस रिमांड पे लिया है। बाकी 3 को जो है जुडिशियल के लिए हमने करा है। बाकी जो इसके साथ जो भी इनके से जो सामान मंगवाया था वो रिमांड के दौरान जो खुलासा करेगा तो उसको अभी अरेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो 4 आरोपी हैं, उनमें से जो मुख्य आरोपी है विनोद, उसको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है और बाकी जो 3 आरोपी हैं उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ विजेंद्र भंडारी जी भी मौजूद हैं, जिनकी टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया। क्या जानकारी मिली थी विजेंद्र जी, जिसके बाद आपने इनकी मुखबरी जो आपको पता चली और उसके बाद आपने रेड की और चारों को गिरफ्तार किया? ये देखिए जी, अभी हमारा कुछ पहले ही ये स्टाफ नियुक्त हुआ है NCB हरियाणा, जिसके प्रमुख श्री कांत जाधव ADGP हरियाणा लगाए गए हैं, और जो हमारा उद्देश्य ये है कि हम हरियाणा से नशे को बिल्कुल ख़त्म कर दें, जिसकी पहल हमने यूनिट करनाल ने की है और हम सबका ख़त्म कर देंगे बिल्कुल तय दिल से। जो भी होगा सभी को, कोई भी है पुड़िया बेचने वाला है, 5 किलो वाला, 10 किलो वाला, सभी को पकड़ेंगे और अभी इनको लेकर जाएंगे उड़ीसा से, उस चैन को लेकर आएंगे। और मेरे को ये मुखबिरी मिली थी कि उड़ीसा राज्य में ये ज़्यादा होता है और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, दूसरी कामयाबी है। और हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि इस NCB को खौफ पैदा कर दे ये कि कोई नशा ना करे। ये कहाँ से आपने इनको गिरफ्तार किया, किसको पुलिस रिमांड पर भेजा है, जो पकड़ा है उसकी कीमत क्या है, कहाँ कहाँ पर ले जाकर बेचते थे? इनको गरोंडा करनाल क्षेत्र से पकड़ा है और जो ये वहाँ से लेकर आते हैं, जो वो 2200 से 2500 के बीच में लेकर आते हैं, यहाँ जो बेचते हैं उसका 10 से 12 हज़ार 8 हज़ार जो भी आंकड़ा तय मिलता है इनको, वो उस पर सप्लाई करते हैं। तो कितनी कीमत है लगभग इसकी? 230 किलो की जो बाजार की कीमत आप लगभग इसकी 20 लाख लगा सकते हो।
तो आप देख सकते हैं कि 20 लाख का जो गांजा पत्ती है वो इनके पास से बरामद किया है पुलिस ने। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि ये वो गांजा पत्ती आप देख सकते हैं कि आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, और उसके बाद एक जो मुख्य आरोपी है विनोद, उसको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, बाकी 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये 230 किलो गांजा पत्ती आप समझ सकते हैं मार्केट में इसकी कीमत 230 किलो की कीमत है वो तकरीबन 20 लाख रुपए है, और ये ओडिशा से लेकर आए थे, ओडिशा से ले जाने के बाद इन्हें घरोंडा के पास से गिरफ्तार किया है और ये गांजा पत्ती बरामद की है। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल कोर्ट के बाहर से किस तरह से जो है इन लोगों को पकड़ा गया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने जो गांजा पत्ती की जो है सप्लाई किया करते थे। अगर नशे की बात करें तो हरियाणा में जो है नशा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इसके चलते जो है पुलिस ने इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए जो है ये चीज़ डिसाइड करी थी कि करनाल जिले में खासकर जो है जितने भी लोग नशे की सप्लाई कर रहे हैं उन सभी लोगों को पकड़ा जाए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है ये 4 आरोपियों को पकड़ा गया है जो कि उड़ीसा से नशे की जो है गांजे की पत्तियां लेकर आए थे और उसके बाद उसको करनाल में सप्लाई करते थे, और आज जो है इनको पकड़ लिया गया है। इनको 7 दिन की रिमांड में लिया गया है, और जिसके चलते आगे जो है रिमांड में इनका ये पता लगाया जाएगा कि कहाँ कहाँ जो है ये सप्लाई किया करते थे, कहाँ से जो है ये लाया करते थे। और आप सभी से अपील यही रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई करनाल कोर्ट के बाहर से, हालांकि अभी 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, और इसके साथ साथ जो एक इनका जो मुखिया था उसको भी अलग से जो है रिमांड में लिया गया है। आप सभी से अपील की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। एक तो पुलिस ने घरोंडा के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी हरियाणा की जो करनाल यूनिट है उन्होंने छापेमारी की थी, जिनमें से एक आरोपी विनोद, उसे जब कोर्ट में पेश किया गया तो 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, और 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनके पास से 230 किलो गांजा पत्ती बरामद की गई है जिसकी मार्केट में कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए है, और ये ओडिशा से लेकर आ रहे थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एनसीबी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब जो इनकी चेन है, ये जहां से गांजा पत्ती लेकर आए हैं, चाहे वो ओडिशा राज्य हो या इसके अलावा और कहां कहां पर ये बिकता है, वहां पर जाकर रेड की जाएगी, वहां पर जाकर छापेमारी की जाएगी ताकि उस चेन को तोड़ा जा सके और बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि करनाल के ऐसे लाइन पार के बहुत से इलाके हैं जहां पर गांजा पत्ती या नशे की गोलियां या बाकी नशे का सामान मिलता है। ऐसे में देखना होगा कि ये टीम और कहां जाकर छापेमारी करती है और कौन कौन से आरोपियों को गिरफ्तार करती है। फिलहाल एनसीबी की टीम के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, जिनमें उन्होंने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से 230 किलो गांजा पत्ती बरामद की है जिसकी कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए है। उनमें से एक आरोपी को जब कोर्ट में पेश किया गया, 4 को, उनमें से एक को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि उसको लेकर ओडिशा जाया जा सके और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके जो इनको गांजा पत्ती देते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।